अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो है आपका नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे जो है वो भी बारिश आ रहा था और अभी फ़िलहाल तो बंद हो चुका है, इसलिए मैं छतरी लेके आया था। तो लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको नहीं पता है, मैं एवरी संडे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ सुबह 10 बजे के आसपास। और यहाँ पे जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप नया बाइक परचेस करने जाओगे तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूछे जाएंगे। जब भी जो है आप न्यू बाइक परचेस करना चाहते हो तो उसके नॉर्मली 2 प्रोसेस होते हैं, और वो 2 प्रोसेस कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि आप नॉर्मली हार्ड कैश देके जो है वो अपना बाइक परचेस करो। जो है आपके पास एक बाइक का अमाउंट है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक बाइक चूज़ किया जिसका नाम है सुजुकी जिक्सर, और अभी जिक्सर का प्राइस है मार्केट में पकड़ लो 1,10,000 रुपया या 1,20,000 रुपया, जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो आपको जो है वो आप डायरेक्टली उसको पे करोगे। आप जो है वो किसी भी तरीके का फाइनेंस नहीं करोगे। ये जो हो गया वो है पहला चीज़, पहला रिक्वायरमेंट। अब दूसरा प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि आपके पास जो है वो एक एडिक्वेट अमाउंट है 30,000-40,000 रुपया, जो कि आप एज ए डाउन पेमेंट करने वाले हो, और बाकी का जो है वो आप एज ए बाइक लोन पे लोगे। तो अगर जो है वो आप बाइक लोन पे लेने वाले हो तो उसके जो है डॉक्यूमेंट्स और उसके जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो दोनों भी तरीके से जो है हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो नॉर्मल हार्ड कैश वाला जो है वो बात करते हैं। हार्ड कैश यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली आप जो है वो बाइक का पूरा अमाउंट उसको डीलर को पे करोगे और जो है वो आप बाइक ले लोगे। तो इस सिचुएशन के लिए जो है वो सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट लगेगा, वो है आपका बाइक का रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अभी जो है वो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है कि आप जो है वो बाइक नहीं ले सकते, तो आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। ये सबसे पहला पॉइंट है। अगर जो है वो अपना बाइक जो है वो हार्ड कैश से लेने वाले हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे। उसमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा वो ये होगा कि आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड लेके जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हो, या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो। दूसरा होता है वो होता है अपना एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड कैरी कर सकते हो, जो कि सेम आप एज ए आइडेंटिटी कार्ड में भी दिखा सकते हो। और साथ में जो है अगर आप आइडेंटिटी कार्ड के लिए आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो आपको जो है वो अपना लाइट बिल लगेगा, या फिर टेलीफोन बिल लगेगा, या फिर अगर आपका मोबाइल जो है वो पोस्टपेड है तो पोस्टपेड का बिल लगेगा। और साथ में जो है मे भी हो सकता है कि कुछ कंपनियाँ जो है कुछ डीलर जो है आपको जो है मदर फादर का रिलेशन के लिए जो है वो पूछे। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि मेरा घर जो है मेरे नाम पर नहीं है, मेरे फादर के नाम पर है, तो उसके लिए जो है मे भी राशन कार्ड लग सकता है, तो आप राशन कार्ड का जेरोक्स भी अपने साथ कैरी कर लो। और साथ में जो है वो कुछ फ़ोटोज़ लगेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, तो मे भी हो सकता है कि वो या तो आपसे 2 फोटोज़ मांगे, या तो आपसे 3 मांगे, या तो आपसे 4 मांगे। मोस्टली मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ 6 तक जो है वो मैक्स टू मैक्स कैरी करो, क्योंकि उनके जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। कुछ RTO में देने रहते हैं, कुछ जो है वो उनको अपने पास रखने पड़ते हैं एज अ प्रूफ। तो इस तरीके का जो सीन होता है, तो मैक्स टू मैक्स जो है वो आप 6 फोटोज़ अपने साथ कैरी करो। नॉर्मल अगर आप हार्ड कैश से बाइक बाय करने वाले हो तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो आपको लगेगा। अब बात करते हैं दूसरा मेथड का। दूसरा मेथड यानी कि फाइनेंस वाला। फाइनेंस यानी कि जो आप अपना बाइक जो है वो लोन पे लेने वाले हो, तो लोन पे लेने के लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो है वो कमा रहे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो। तो उसके लिए जो है नॉर्मल पहले वाले डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसको आप बोल सकते हो कि 6 महीने का एक बैंक स्टेटमेंट लगेगा जिसमें आपका सैलरी जाता है, यानी कि सैलरी अकाउंट का एक आपको स्टेटमेंट लगेगा जो कि 6 महीने तक का हो। इसके अलावा जो है वो आपको लगेगा अपना IT फाइल यानी कि इनकम टैक्स फाइल। नॉर्मली जो है वो आप बना सकते हो दोनों ही सिचुएशन में, अगर आप कमा रहे हो बराबर और टैक्स पे कर रहे हो तभी भी, और अगर आप कमा रहे हो और टैक्स नहीं पे कर रहे हो तभी भी बना सकते हो। तभी जो है वो जीरो टैक्स का एक फाइल रिटर्न करना होता है, जिसके ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, आप अपने पास रख सकते हो, जिसके बेस पे आपको मे भी क्रेडिट कार्ड और ये सब चीज़ भी मिल जाए। इसके अलावा जो है वो आपको आई थिंक से 2 या 3 चेक वो लोग मांगते हैं वो लगेंगे। एक जो है वो आपका EMI प्रोसेस के लिए, और दूसरा जो है वो आपको जो है वो एक अमाउंट का या फिर कैंसिल चेक जो है वो देना पड़ेगा, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो वो 2 या 3 जो है वो चेक्स आपके अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे, जो कि आपके सैलरी अकाउंट के ही चेक हो। अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है और अगर जो है आप किसी और का चेक देने वाले हो, तो मेक श्योर कि जो ये लोन वाला प्रोसेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको जो है बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, फिर उसके पास से चेकबुक लेना पड़ेगा, और चेकबुक लेके फिर ही आप जा सकते हो, तभी आप बाइक ले सकते हो।
इसके अलावा जो है मे भी हो सकता है कि आपको कुछ दिन और वेट करना पड़े, जैसे आपने 40,000 डाउन पेमेंट कर लिया या 50,000 डाउन पेमेंट कर लिया, फिर बाकी का जो अमाउंट बचा है उसके लिए आपका वेरिफिकेशन होगा, बंदा जो आपके घर पे आएगा चेक करेगा, मे भी जो है आपके ऑफिस में फ़ोन करके चेक करेगा कि आप वहाँ पर काम करते हो कि नहीं, और फिर उस हिसाब से जो है अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको बाइक जो है वो मिल जाएगा, और अगर लोन अप्रूव नहीं हुआ है तो फिर जो है वो आपको लोन रिजेक्शन का लेटर आ जाएगा, फिर आपको जो है वो बाइक या तो किसी और कंपनी से लोन क्लियर करवाना पड़ेगा या तो फिर जो आपको किसी और के नाम पे लेना पड़ेगा। जब भी आप बाइक जो है वो हार्ड कैश पे लेते हो तो आपको जो है वो आरसी बुक मिलता है, उसमें जो है वो हाइपोथिटिकेशन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं होता है, कोई भी मार्क नहीं होता है, यानी कि ये बाइक जो है वो आपने खुद से परचेस किया है, किसी लोन से नहीं लिया है, तो बाइक पूरा आपका हुआ। और दूसरा जो चीज़ होता है ये होता है कि लाइक आप लोन से लेते हो फाइनेंस से, तो उसमें हाइपोथिटिकेशन का जो एक नंबर होता है, एक चीज़ होता है जो एक लाइन में लिखा होता है कि ये बाइक जो है वो फाइनेंस किया गया है इस बैंक के रिगार्डिंग। तो जब भी आप बाइक सेलिंग को करने के लिए जाओगे तो मेक श्योर कि आपने जो है वो ये चीज़ क्लियर करवाया हो, यानी कि आपने लोन पूरा पेमेंट किया हो, उसके बाद उससे नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और फिर आपको RTO में जाके अपना बाइक जो है वो टोटली सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर करवाना पड़ेगा। ये जो है वो डिपेंड करता है आपने कितने साल का लोन लिया है। मोस्टली जो है वो नॉर्मल कम्यूटिंग बाइक्स पे जो है वो आपको 2 या 3 साल के लोन मिल जाते हैं। जब आपने 2 साल तक जो है वो अपना लोन सही तरीके से पे किया है, उसके बाद आपको जो है वो 1-2 महीने के अंदर NOC लेटर आ जाएगा अपने बैंक या जो भी जिससे आपने फाइनेंस लिया है वो, और फिर वो जो है वो आपको RTO में लेके जाना पड़ेगा। RTO में लेके जाने के बाद जो है आप अपना बाइक जो है वो अपने नाम पे करवा सकते हो, उसका एक कुछ नॉर्मिनल चार्ज होता है। अगर आप उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ जो कि इससे रिगार्डिंग है कि जब आप पहली बार जो है वो डीलर में या फिर किसी शोरूम में जाओगे तो आपको जो है वो बाइक किस तरीके से चूज़ करना है और बाइक जो है वो किस तरीके से बाय करना है। तो दोस्तों फिलहाल जो है मुझे इतने ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है, अगर इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रहे हैं तो नीचे मैं जो है वो कमेंट करके उसको पिन कर दूंगा, जो कि आपको हेल्प करेंगे। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ नया डिटेल मिला इस वीडियो में तो प्लीज़ डू लाइक इट, और अगर जो आप नए हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।